मोदी की धूम देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चमोली में लगातार बादल फटने और भारी बारिश के कारण देवाल घाट में मां बेटी समेत कई लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपदा के दौरान बहुत सी दुकानें और मकान तबाही में बह गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जनपद के सभी आला अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों में जाकर आपदा पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य महकमा लापरवाह नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नाराज स्थानीय विधायक मुन्नी देवी ने फोन से मुख्यमंत्री से शिकायत की। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार आपदा में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रही है। जिला अधिकारी चमोली ने आपदा में मृतकों को अनुग्रह राशि के रूप में परिजनों को 4-4 लाख रुपए भी दिए हैं। को विदित है कि चमोली आपदा प्रोन जनपद है और प्योर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर लगातार भूस्खलन और तेज पानी आने से और बादल फटने से घटनाएं होती रहती हैं। तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारी एसडीआरएफ की यूनिटें सभी जगह तैनात है, एक गौचर में है, एक जोशीमठ में है, एक बद्रीनाथ में है। उसके अलावा एनडीआरएफ भी आ रखी है और एनडीआरएफ हमारी जो है यहाँ चमोली में स्थापित है और 3 महीने 2 महीने अभी और जो बरसात का है उसमें यहाँ पर रहेगी।